ये गोल चक्कर केसरगंज में हूँ। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ 92.7 बिग एफएम पे। मैं अजय आपके साथ हूँ, मेरे साथ हैं एमजीटीवी इंडिया और हम लेकर आए हैं अजय मेरूरी शान। बिग गर्मी की धुन बदल के तो देखो भाई साहब, इतनी गर्मी है और हम लोग पहुंचे हैं इस समय धरती का अमृत पीने के लिए, यानी कि पंडित जी के यहाँ, जिनका टाइटल यहाँ लिखा हुआ है झुक झुक जियो गन्ने का रस पियो। पंडित जी के यहाँ धरती का अमृत वैसे पानी होता है, आपको बता दूं, लेकिन नाम लिखा है अच्छा है। लेकिन पंडित जी की ये दुकान पूरे 12 महीने खुली रहती है, यानी कि गन्ने का जूस कहीं भी अवेलेबल नहीं हो तो केसरगंज गोल चक्कर पर पंडित जी के यहाँ गन्ने का रस पूरे 12 महीने रहता है और भीड़ पूछे ही मत। चलिए देखते हैं क्या खासियत है। आशीर्वाद है। तो ये दुकान पंडित जी एक्चुअली कितने सालों से है? 1972 से। अच्छा, ये मैंने सुना है कि आपकी ये जो गन्ने के रस की दुकान है ये 12 महीने खुली रहती है। 12 महीने खुली रहती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये गन्ना आता कहाँ से? चित्तौड़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अच्छा, और ये भी मैंने सुना है कि जो गन्ने का रस है वो कुछ खास इसमें बात होती है, मतलब पीने के हर चीज में मिलावट है, गन्ने में मिलावट नहीं है। अरे अच्छा, गन्ने हर चीज में मिलावट है लेकिन गन्ने में नहीं है। हाथी का प्रिय भोजन है ये। अच्छा, और गन्ने का रस पीने से घर में कलेश नहीं होता है। अच्छा, ये हड्डी मजबूत करता है, खून बनाता है। अरे वाह, लीवर साफ करता है और जॉन्डिस में काम आता है। अरे क्या बात है। अच्छा, ये गन्ने की मशीन कुछ अलग नहीं लग रही है? बैंगलोर से लाया था मैं। अच्छा, किर्लोस्कर कंपनी की है। अच्छा, ये बहुत बड़ी मशीन है, एसएचजी स्टील है ये। अच्छा, स्टैंडर्ड स्टील। दिन भर में कितने लोग आ जाते हैं गन्ने का जूस पीने? करीब रात का, मौत का कोई भरोसा थोड़ी है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन गर्मियों के दिनों की बात करें तो दाल रोटी निकल जाती है। अरे सर ये टाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इस बात का जवाब देना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन एवरी मिनट बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि गन्ने का रस पीने आते हैं। यहाँ कोई ऐसे हैं जो बहुत सालों से गन्ने का रस पीने आ रहे हो पंडित जी की दुकान पर? कई जने हैं। कई जानों से आ रहे हैं। मैं भाई साहब आपसे बात करना चाहूँगा, तो क्या खास है गन्ने के रस में? गन्ने का रस का स्वाद ही अलग है, टेस्ट अलग आता है और बहुत ही, मतलब गर्मियों के दिनों बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा। और कई सालों से आ रहा हूँ मैं भी यहाँ पे, जब से यहाँ छोटा पढ़ता था जब से अभी यहीं आ रहे हैं। स्कूल में पढ़ते थे तब से आ रहे हैं। लगातार लोग गन्ने का रस पीने के लिए यहाँ आते हैं, पूरे 12 महीने ये दुकान खुली रहती है। और ये है अजय मेरूरी शान। अगर धरती का अमृत आपको पीना है, मुझे लगता है धरती का अमृत इनफैक्ट पानी है, जल है, जिसका हमें संरक्षण करना है, बूंद बूंद बचाना है। लेकिन अब पंडित जी ने इसे धरती का अमृत बनाया, तो चलिए इसे एंजॉय करते हैं। और आप केसरगंज पर जरूर आ जाइए, गोल चक्कर पर इनकी दुकान है 12 महीने। नाउ मैं एंजॉय करता हूँ अपने गन्ने का रस और फिर मिलेंगे आपसे। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, देखते रहिए एमजीटीवी इंडिया। और हाँ, एक साथ कहिए धुन बदल के तो देखो। बाय। साइज देखिए भाई साहब आप इसका, मतलब इतना गन्ने का जूस तो मैंने जिंदगी में नहीं पिया जितना एक दिन में पी के रहूंगा। आप भी पीने आएगा, पिए। Cheers!